सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम फेसबुक में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए मित्रों, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार था के इन प्रकल्पों से जुड़ करके हम आपके सहयोग से संसार में जन जन की भाषा संस्कृत भाषा को बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए मित्रों, मैं अब आपके साथ में आज कुछ एक ये रुचिरा पुस्तक है इसका एक संस्कृत का पाठ पढ़ करके उसका हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा और आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप कहीं पर भी अपने घर में रहते हैं, जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, आप 18 साल से ऊपर के हैं, 18 साल की आयु से अधिक आयु आपकी हो चुकी है और आपके मन में तीव्र उत्कंठा है, तीव्र इच्छा है कि मुझे भी संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, तो इस प्रकार के मैं करोड़ों युवाओं को आह्वान करता हूँ, करोड़ों बहनों को आह्वान करता हूँ, विद्वान संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषी बनाने के लिए कि आप आइएगा देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार से ऑनलाइन संस्कृत की कक्षाओं को पढ़ करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ बनिएगा। यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, ₹50 मात्र मासिक आप देकर के संस्कृत भाषा को सरल ढंग से अपने गृह पर ही बैठे बैठे शुद्ध लिखना और बोलना और पढ़ करके समझना 2 वर्ष के अंदर सीख जाएंगे। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। मित्रों, हम सभी सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हमें एक कार्य करना होगा कि सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति की जड़ें जहां पर रुकती हैं, जहां पर ठहरी हुई है, उस जड़ को जानना होगा। वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति की जड़ें संस्कृत भाषा में जुड़ी हुई है। वैदिक संस्कृति का पोषण करने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। सनातन संस्कृति को पोषण करने वाली, सनातन संस्कृति का सेचन करने वाली, सिंचन करने वाली संस्कृत भाषा है। यदि हम वैदिक धर्मी, वैदिक मतावलंबी, सनातन धर्म को मानने वाले होकर के संस्कृत भाषा को नहीं सीखते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का संदेश है। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि आप के अंदर ऐसा भाव है, गौरव का भाव है कि हम वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं, सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, हम उपनिषदों की संस्कृति के अनुयायी हैं, हम वेदों की संस्कृति के अनुयायी हैं, हम ऋषियों की संस्कृति के अनुयायी हैं, हम महर्षियों की संस्कृति के अनुयायी हैं, तो हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि संस्कृत भाषा को जरूर सीखें, अवश्य सीखें। मित्रों, इसीलिए मैंने ये प्रकल्प चलाया है, आपके अंदर संस्कृत भाषा को सीख करके अपने वैदिक सनातन धर्म पर आप गौरव कर सकें, वैदिक धर्म में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जान सकें, इसके लिए ही ये संस्कृत भाषा ऑनलाइन के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सब कुछ जितना भी ये परिश्रम किया जा रहा है, इसके पीछे एक ही विचार है कि 1 करोड़ लोगों को हम संस्कृत भाषा उनके गृह पर ही बैठे बैठे सिखला दें। और मित्रों, वैदिक संस्कृति को 1 करोड़ लोगों में उनके घर पर पहुंचाने के लिए हमारा दूसरा प्रकल्प आरंभ हो चुका है।
कि हमको वैदिक साहित्य ऋषियों की विचारधारा, गीता के संदेश, उपनिषदों के संदेश, वेदों के संदेश, वेदांत के संदेश, दर्शनों के संदेश 1 करोड़ लोगों के घर पर पहुंचाना है। इसके लिए वैदिक साहित्य आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 करोड़ लोगों को देववाणी संस्कृतम वी गुरुकुलम वैदिक सनातन संस्कृति से जोड़ेगा, ये इसका संकल्प है। प्रभु की कृपा से और आप सभी के सहयोग से देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार का परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। थोड़े से ही दिनों में हमने देखा हमारा ये परिवार देववाणी संस्कृतम परिवार लगभग 70,000 लोगों का परिवार बन गया। परंतु मित्रों, इस संसार में 70,000 लोग कुछ भी संख्या नहीं रखते। इस संसार में 8 अरब से अधिक जनसंख्या है। हमने प्रथम चरण में अपना संकल्प लिया है, हमने प्रथम चरण के लिए संकल्प किया है कि हम प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को संसार में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा से जोड़ेंगे। मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप सभी आइएगा देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार के सभी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। देववाणी संस्कृतम सकारात्मक ढंग से वैदिक संस्कृति को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार आपके लिए प्रतिदिन नई नई सामग्री को प्रेषित करता है। वह सामग्री आपको संस्कृत भाषा को सिखाने में और वैदिक ऋषियों की विचारधारा से अवगत कराने के लिए सहयोगी होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप सभी 1 करोड़ लोगों को देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल से जोड़िएगा और संस्कृत भाषा को सीखिएगा अपने गृह पर ही बैठे बैठे। स्वयं भी सीखना है, अपने पुत्रों को भी सिखाना है, अपनी पुत्रियों को भी सिखाना है, अपने बहनों को भी सिखाना है, भाइयों को भी सिखाना है, मित्रों को भी सिखाना है, माता पिता को भी सिखाना है, सबको संस्कृत भाषा सिखलानी है और अपने घर में देव भाषा का वातावरण निर्मित करना है। हमने संकल्प लिया है कि हम 1 करोड़ लोगों के घर में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाएंगे। तो मित्रों आइएगा, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार हमें संस्कृत भाषा को घर पर ही बैठे बैठे सीखने के लिए मामूली सा शुल्क देकर के आप इस कक्षा में भाग लेकर के अपने गृह पर ही बैठे बैठे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और संस्कृत की प्रकांड विदुषी बन सकते हैं। अब कोई कठिन बात नहीं रही। आइएगा अब हम संस्कृत का एक पाठ पढ़ते हैं। ये पुस्तक है रुचिरा। शेयर कीजिएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। मित्रों, इस भारत देश के अंदर पर्वों का बहुत महत्व है। पर्व हमारे जीवन में उल्लास उत्साह पूरित करते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस वैदिक सनातन संस्कृति में पर्वों को अधिक महत्व दिया। अभी पर्व आ रहे हैं, आज धनतेरस पर्व है। धनतेरस पर्व के उपलक्ष में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक ठीक धन के स्वामी बने, सब धन के स्वामी बने। आप जीवन में धनार्जन करें, आप सभी धनाढ्य बने, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हुए
आप धनाढ्य बने, लक्ष्मी को प्राप्त करें। धनतेरस पर्व पर मैं आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसीलिए मैं आज आपको एक संस्कृत का ऐसा अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं, ऐसा एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। उत्सव परंतु उसका नाम रख दिया पुष्पोत्सव, पुष्पों का उत्सव, पुष्पों का पर्व। पर्व का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, और जोड़ने से क्या होता है, विस्तार पैदा होता है। आप देखते होंगे एक से एक को जोड़िएगा विस्तार हो जाएगा, एक से दो को जोड़िएगा विस्तार हो जाएगा, एक से तीन को जोड़िएगा विस्तार हो जाएगा, जोड़ते जाइएगा विस्तार ही विस्तार होता चला जाएगा। ये पर्व भी हमारे जीवन का विस्तार करते हैं, इसलिए इनको कहा है ये पर्व है। और पर्व जहां पर जोड़ते ही बहुत गहराई से जोड़ देते हैं वहां से टूटते नहीं, इसलिए इन पर्वों को मना करके हम संसार में एक दूसरे के साथ जुड़ना सीखते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो ये मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रहा हूं पुष्पोत्सव, पुष्पों का उत्सव। आइएगा शेयर कीजिएगा, हमारे कुछ महानुभाव ने शेयर किया है, सभी शेयर करेंगे, शेयर करेंगे संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए, शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे निवेदन पर शेयर करेंगे। उत्सव प्रिय भारत देश, उत्सव प्रिय भारत देश। ये भारत देश कैसा है, ये उत्सव प्रिय है, इसमें अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। हर मास उत्सव आता है, हर सप्ताह उत्सव आते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में उत्सवों की भरमार है, होनी चाहिए। यदि जीवन में, मनुष्यों के जीवन में उत्साह और उमंग पैदा करनी है तो हमें पर्व की पद्धति को अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहा उत्सव प्रिय भारत देश। ये भारत देश कैसा है, उत्सवों से प्यार करने वाला है, प्रेम करने वाला है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति, कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित च यानोत्सव भवति। कहते हैं इस भारत देश में कहीं पर शस्योत्सव माने जो फसल उत्पन्न होती है, जब फसल पकने पर आती है तो फसलों के पकने की खुशी में उत्सव मनाते हैं, फसलों की पूजा करते हैं, उसको कहा शस्योत्सव। और क्या कहा, कुत्रचित पशु उत्सव भवति माने कहीं पर पशुओं के नाम से उत्सव मनाया जाता है, आप देखते होंगे। और कुत्रचित धार्मिकोत्सव, कहीं पर धार्मिक कृत्यों से उत्सव मनाया जाता है। अब ये धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, ये क्या है, धार्मिकोत्सव। और कहते हैं कुत्रचित यानोत्सव, अर्थात यान माने गाड़ियों में प्रतियोगिता करते हैं तो उसको बोलते यानोत्सव। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सवों से प्रेम करने वाला है। शेयर कीजिएगा मित्रों, बार बार बोलता रहूंगा मैं आपसे, संस्कृत माता को जन जन तक ले जाने के लिए, 1 करोड़ लोगों तक ले जाने के लिए, वैदिक साहित्य को 1 करोड़ परिवारों तक ले जाने के लिए आपसे बार बार बोलता रहूंगा, निवेदन करता रहूंगा। शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे ले जाते रहिए। कहते हैं एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इसी प्रकार से
इन उत्सवों में एक उत्सव है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, पुष्पों से उत्सव मनाते हैं। अयम फूलों की सारिति नामना प्रसिद्ध, हिंदी भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों की सैर। तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पुष्पोत्सव, फूलों का पर्व, फूलों का त्योहार। देहल्याम महराली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। और कहते हैं कि इस पुष्पोत्सव पर्व का आयोजन दिल्ली में होता है। दिल्ली में कहाँ होता है जी? कहते हैं महरौली एक क्षेत्र है, वहां पर अक्टूबर मास के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। कहते हैं इस अवसर पर वहां पर अर्थात महरौली क्षेत्र में दिल्ली में बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों के दर्शन होते, लाल पीले हरे और भी भिन्न भिन्न गुलाबी कलर के पुष्प ही पुष्प, पुष्प ही पुष्प दृष्टि गोचर होते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणं तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। उस पुष्पोत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है फूलों से बने हुए स्वादु स्वादु व्यंजन। जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदरे मंदिरे भक्तियारका की त्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। फूलों से बने हुए जो व्यंजन है, व्यंजन उनको लोग योग माया मंदिर, योग माया मंदिर नाम का एक मंदिर है योग माया, उसमें भक्तियारका की, भक्तियारका की कुछ है कोई, उसके उसकी समाधि स्थल पर समर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिका कर्णिकार पुष्पैः अन्ये जपा कुसुमैः अपरे मल्लिका पुष्पैः इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यंजनानि भवन्ति। कहते हैं उन व्यंजनों में क्या होता है, कुछ पाटल पुष्पों से मतलब गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं, और कुछ कर्णिकार पुष्पों से, कुछ जपा कुसुम के फूलों से, और कुछ मल्लिका फूलों से, और कुछ गेंदों के फूलों से बने हुए व्यंजन वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं। थोड़ी देर के साथ लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको आनंद आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और संस्कृत भाषा के प्रति आप निष्ठावान बनेंगे, कर्तव्यवान बनेंगे। कहते अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलती। ये उत्सव 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक लगातार उत्सव मनाया जाता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धं च प्रचलति। और कहते हैं इन दिनों में, इन 3 दिनों में पतंगारोम उड्डयन मारे पतंगे खूब उड़ते पतंगे, और विविधा क्रीडा भिन्न भिन्न प्रकार के खेल, और मल्लयुद्ध कुश्ती का आयोजन किया जाता है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। कह रहे 200 वर्ष से निरंतर ये पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये यम परंपरा स्थिकता स्थगिता आसीत, मध्यकाल में ये परंपरा रोक दी गई थी, परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात यम मनोहारिणी परंपरा
पुनः समारब्धा। परंतु जैसे ही हम आजाद हुए, हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद इस पर्व का आयोजन पुनः आरंभ कर दिया गया है। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी निरंतर उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी मैंने एक लघु कथा कह सकते हैं, थोड़ी जानकारी का ये एक पाठ है, ये रुचिरा पुस्तक है, ये आपको सिलेबस में लगी हुई है बच्चों की छठवीं क्लास में। परंतु आपके लिए संस्कृत भाषा सरल चाहिए, इसलिए मैं इसमें से कुछ पाठों को लेकर के पढ़ता हूं और आपको अर्थ बतलाता हूं। तो मित्रों, हमारे जीवन में पर्वों का कितना महत्व है इस पाठ में बतलाया गया, और पुष्पोत्सव नामक जो पर्व है उसको लोग मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र है, वहां पर मनाते हैं। प्रसिद्ध पर्व है ये, 200 वर्ष निरंतर मनाया जा रहा है, बीच में कुछ व्यवधान हुआ, पुनः चालू हो गया है। तो आइए मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अहोरात्र दिन रात कार्य कर रहा है। तो हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके लिए यहाँ पर जो भी सामग्री भेजी जाती है, पोस्ट की जाती है, संस्कृत संबंधी, वैदिक साहित्य संबंधी, उस सामग्री को आप आगे शेयर करें, जिससे हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति अर्थात वैदिक साहित्य को ले जा सके। और आप भी स्वयं वैदिक साहित्य की सुंदर सुंदर पुस्तकों को मंगा करके अपने घर पर पढ़ें। ये सभी पुस्तकें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं। आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा, आपको घर पर ही बैठे बैठे ये सभी पुस्तकें, जिस पुस्तक को आप चाहेंगे उस पुस्तक को न्यूनतम मूल्य पर आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। आपको कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं सड़क पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर पर पोस्टमैन आपके घर पर देकर के जाएगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये कार्य हम ऋषियों की संस्कृति को आप तक पहुंचाने के लिए, और हम इस भारतवर्ष के अंदर पहले अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, वो कहीं दूसरी संस्कृति में ना चली जाए जो उसके जीवन को नष्ट करती। वैदिक संस्कृति जीवन का उत्थान करती है, जीवन के लक्ष्य को बतलाती है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराती है और जीवन में प्रसन्नता उल्लास लाती है। तो मित्रों, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, आज लगभग देववाणी संस्कृतम के कई प्लेटफॉर्म चलते हैं सोशल, उन पर 70,000 लोग जुड़ चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को जोड़ना। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ट्विटर से भी अवश्य जुड़े, आचार्य श्रवण कुमार नाम से इंस्टाग्राम पर अवश्य जुड़े, देववाणी संस्कृतम यहाँ जो ये फेसबुक आईडी है इसको फॉलो करें, क्योंकि इस पर मित्र पूरे हो चुके हैं, अब इस पर सामर्थ्य नहीं है। और देववाणी संस्कृतम सेवा संदेश एक ग्रुप बनाया गया, उससे भी जुड़े, और एक पुस्तकों के लिए अलग से पेज बना दिया गया है, उस पर मात्र आपको पुस्तकों की जानकारी उपलब्ध होती है, देववाणी संस्कृतम सेवा, उस पेज से भी अवश्य जुड़े और वहां पर देखें, अच्छे साहित्य को आप अपने गृह पर ही मंगा करके पढ़ें, अपने बेटों को पढ़ाएं, पुत्रियों को पढ़ाएं, सबको वैदिक सनातन विचारधारा से जोड़ें। आपको थोड़े से पैसे आपके लिए बहुत ही बड़ा महान उपकार करने वाले हैं। आप मत सोचिएगा कि 100 रुपए की पुस्तक आ रही है, अरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, नहीं, आपके
यदि 100 रुपए की इस पुस्तक को पढ़ लेंगे, आपके बेटे पढ़ लेंगे, आपकी बेटियां पढ़ लेंगी, तो आपकी करोड़ों की संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। पुस्तकानि अस्माकं सुमित्राणि भवन्ति, द बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं, ये मेरा एक स्लोगन है। ये पुस्तकें हमेशा हमें नई राह दिखाती हैं, हमारे विचारों में संशोधन कराती हैं, हमको तर्कवान बनाती हैं, हमको तर्कशील बनाती हैं, हमको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें। तो आइएगा, मैं आपके साथ में थोड़ी देर के लिए लाइव आया था, बीच बीच में लाइव आता रहता हूँ और संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करता रहता हूँ, और पुस्तकों के लिए भी एक ये प्रकल्प चला दिया गया है, तो इससे भी आप जुड़े। ये बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं, बहुत सारी हैं, तो अब ये तेजी से कार्य चल रहा है। आप अपने मित्रों को कहिएगा वैदिक साहित्य को मंगाएं अपने घर पर, वेदों को मंगाएं, उपनिषदों को मंगाएं, गीता को मंगाएं, ठीक है। सूची आपको दे दी गई है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा, आपको तत्काल सूची दे दी जाती है, सूची में सबकी रेट लिखी गई है, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम कार्य कर रहे हैं, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार के माध्यम से। मित्र बहुत सुंदर लगता है जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं और इसको शेयर करते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, हमारा उत्साह भी कई हजार गुना बढ़ जाता है, और आपका निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप भी अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के सोशल प्लेटफॉर्म से अवश्य जोड़िएगा, जिससे हम 1 करोड़ लोगों को वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ज्ञान करा सकें, उनको संस्कृत का विद्वान और विदुषी बना सकें, उनके जीवन में ऋषियों की विचारधारा को धारण करा सकें। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम वैदिक सनातन मार्ग पर चलाने में सफल हो सके, आइएगा हमारे साथ जुड़ करके कार्य कीजिएगा, चीजों को आगे ले जाइएगा, यही आपका हमें महान सहयोग चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, चीजों को शेयर कीजिएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसार में वैदिक संस्कृति का झंडा ऊंचा कर दीजिएगा, और अपने ऋषियों के उस संदेश को याद कीजिएगा जिन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, इससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता है, ये संपूर्ण संसार मेरा परिवार है, इस संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, मंगल के लिए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, इस भाव से आप कार्य कीजिएगा, जुड़िएगा। हम भी इसी भाव के साथ कर रहे हैं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपको हम अच्छी अच्छी बातें, वैदिक संस्कृति की बातें, वैदिक संस्कृति के अंदर निहित गूढ़ रहस्यों की जानकारी दें, जिससे आप अपना जीवन सुखमय बना सकें। क्यों? क्योंकि आप हमारे परिवार के लोग हैं, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण संसार मेरा परिवार है, इसलिए मैं परिवार की उन्नति के लिए कार्य करूंगा, परिवार के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, परिवार के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कार्य करूंगा, इसलिए मैं निरंतर कार्य करता रहता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः।